नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दिस इज योर बॉय कलमकांड और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सुनने वाले असली अयान भाई अपना बयान और नमी शिप्पा मेरी जान। तो इन दोनों भाइयों को मैं जानता हूं 2020 के आसपास से और ये तब से मेरे टच में है। नमीश का पहले मैंने इंटरव्यू किया, तब मैंने नमीश को जाना और असली अयान का भी इंटरव्यू किया था मैंने, और तभी से हम हमेशा मतलब क्या कहते हैं वी आर इन टच, प्रॉपर टच। वो वाला टच नहीं कि भाई गाना आया तो डीके भाई गाना सुन लो और गाना सुन के बताओ कैसे है, उसके बाद गायब हो गए, ऐसा वाला नहीं। ऐसे भी हैं कुछ लोग, ऐसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई ठीक है, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो भाई इन दोनों का बहुत ही हार्ड है और आप लोग जो लोग मुझे फॉलो करते हैं इनको भी शायद जानते ही होंगे ना, अपने पेज पे दिखते रहते हैं। तो भाई एक्सपेक्टेशंस हाई रहती है। इस पर गाने का नाम ये गॉड ड्रिला, ड्रिल बीट पे ड्रिल है, गॉड ऐड कर दिया, तो भाई एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा है। और अगर उस लेवल का नहीं हुआ तो हम आपको छीलेंगे। ठीक है, तो भाई चलो गाना आया 4 हफ्ते पहले, अरे 10 जून को, मतलब 1 महीने हो गए भाई साहब, और व्यूज़ है 1718। ठीक है, बाकी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे वीडियो के एंड में, पहले हम गाना शुरू करते हैं। भाई एक्साइटमेंट एकदम पीक पे है, सो लेट्स गेट बिजी। रन टाइम है 2 मिनट 46 सेकेंड्स एंड ये गाना किसके चैनल पे आया है, आई थिंक या पीस बीट्स, असली अयान। यहाँ पे आपको दिख रहा है गॉड ड्रिला, यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक है गॉड ड्रिला और एक है गो ड्रिला। गो का जो फॉन्ट है वो अलग है, उसके बाद गो के बाद जो डी है और हाइफ़न के बाद वाला यू नो बाद वाले जो लेटर्स हैं उसका फॉन्ट एक ही है। लग रहा है कि ये गॉड ड्रिला भी है, गॉड ड्रिला एंड गो ड्रिला भी है, इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, ये मुझे काफ़ी क्रिएटिव लगा, ये जब असली अयान का वर्स जब स्टार्ट हो रहा है, इनका इंट्रो चल रहा है, कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजर कर्व्स, ये जो ये टेक्निकल टर्म्स है जो वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, ये चीज़ें आती हैं, कलर करेक्शंस वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको पता ही होगा, मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, उसके बाद ये जो अयान का ये जो लोगो आया है बड़ा क्रिएटिव ही है, बढ़िया शुरुआत। इंस्टाग्राम पे नमीश जब रील बनाता है तो लोग पूछते हैं ये चश्मा पहन के कि भाई चश्मा कहाँ से खरीदा, तो मैं भी पूछ रहा हूँ नमीश भाई चश्मा कहाँ से खरीदा। सेक्सी लगता है नमीश भाई अपने इस चश्मे में, अपन भी खरीदेंगे एक। ठीक है, यहाँ पे देखो यान भाई छोटे हैं, नमीश भाई एडिटिंग का कमाल, एडिटिंग का भाई, एडिटर को शाउट आउट दूंगा मैं वीडियो के एंड में, देखता हूँ। हाँ पूरा पहले वीडियो देख लेते हैं हम। ठीक है एक चीज़ मैं बता दूँ, ये है ना 30 सेकेंड्स इंट्रो थोड़ा सा मेरे हिसाब से ओके, आर्टिस्ट ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन अगर मैं होता यहाँ पे तो मैंने इसको और थोड़ा सा छोटा किया होता इंट्रो को, 30 सेकेंड्स लाइक यू नो काफ़ी यू नो मतलब कुछ लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए काफ़ी लंबा वेट है ये, लेकिन देखते हैं इज इट वर्थ द वेट। आया लेके एक एक गाने मैंने फेंके, रूल करू गेम फते किया जैसे टेरिटरी बी ओके सी यू डे खेले मेरे। मैं रुक रुक के सुनूंगा, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है सुनूंगा रुक रुक के। ये जो ना आया लेके एक के, ये जो नो ये जो ऐसे किया लग रहा था कि मतलब क्या बोलते हैं ओ फुल पावर पैक, गाने मैंने फेंके रूल, देखो 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 आया लेके एक एक गाने मैंने फेंके, रूल करू गेम फते किया जैसे टेरिटरी बी ओके सी यू डे खेले मेरे लव्स, पूछेगा तू कब कैसे किया सब, दुआ का दिल रब मिल लाइक अप डोंट बी अ स्मार्ट शक है तो आजा मैं उसे कर दूं दूर। क्या
यार क्या शब्दावली यूज किया, पकड़ पाऊंगा मैं इतनी सारी चीजें। फतेह किया जैसे टेरिटर पीओकेसी टुडे खेले मेरे लव्स पूछेगा तू कब कैसे किया सब दुआ का जवाब मिलना है कब डोंट बी अ स्मार्ट शक है तो आ जा मैं उस आहा मिलना है कब आउट ठोकेंगे तुमको कब कैसे किया सब दुआ का जवाब मिलना है कब डोंट बी अ स्मार्ट शक है तो आ जा मैं उसे कर दूं दूर झूठ बांधू बॉडी पे कर दूं गुल एयर टू गुल गा क्या बांधू बॉडी पे कर दूं गुल स्मार्ट शक है तो आ जा मैं उसे कर दूं दूर झूठ बांधू बॉडी पे झूठ बांधू झूठ बोला आपने या फिर झूठ 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 बांधू बॉडी पे मिलना है कब डोंट बी अ स्मार्ट शक है तो आ जा मैं उसे कर दूं दूर झूठ बांधू बॉडी पे कर दूं गुल एयर टू गुल का ये समझ में नहीं आया मुझे झूठ बोल रहे हो या फिर झूठ झूठ बांधू और कर दूं उसे गुल लाइक यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से आई डिड नॉट गेट इट आजी सल्तनत का अल्तमा जा मैं उसे कर दूं दूर झूठ बांधू बॉडी पे कर दूं गुल एयर टू गुल गाजी सल्तनत का अल्तमश में लगता है बात समझ जा समझ जा मिटा दूं तेरी हर समस्या हिस्ट्री टीचर Don't be a smart shark hai to aa ja main use kar do dur jhoot bandu body pe kar do gul air to gul ka air to gul qazi saltanat altamash mein lagta hai altamash yaar history ki class chal rahi hai kya ayan kar do dur jhoot bandu body pe kar do gul air to gul qazi saltanat ka altamash mein lagta hai baat samajh ja samajh shamita tu teri har samasya ho 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 dekho ye jo na history se kuch naam hai इतनी तो मुझे पता भी नहीं है और उसके बाद ये जो प्रॉपर यू नो शुद्ध हिंदी इस आर्टिस्ट की मैंने एक चीज़ देखी है ना ये मतलब शब्दावली जो शब्दों का चयन होता है बहुत अच्छा होता है लाइक प्रॉपर मिश्रण रहता है इंग्लिश का और जो नॉन हिंदी वर्ड्स हैं इसमें उर्दू आता है फारसी आता है अरबिक आता है जिसमें डिफरेंस मुझे पता नहीं और एक प्योर हिंदी होता है सो इन शब्दों का काफ़ी अच्छा मिश्रण करके भाई और सबको मिला वाला के बम बनाता है शब्दों वाले गाजी सल्तनत का अल्तमश में लगता है बात समझ जा समझ जा मिटा दूं तेरी हर समस्या समस्या भारी और निथाई अशक क्या फक या आई एंड डू अ शिट जा समझ जा मिटा दूं तेरी हर समस्या तपस्या भारी और निथाई समस्या तपस्या हां कितने पावन शब्द हैं और देखो राइम किससे किया हां देखो ये जो ना लैंग्वेज स्विच है हां अशक क्या फक या आई एंड डू अ शिट नेवर रोल द ब्लड बट आई थ्रो तपस्या भारी और निथाई अशक क्या फक या आई एंड डू अ शिट नेवर रोल द ब्लड बट आई थ्रो हिट मेरा गैंग लेट करे बैंग सीन जिस मैक मीन जिस वुल्वरिन पॉइंट ब्लैंक हां वुल्वरिन का रेफरेंस तो काफी बढ़िया देखो रेफरेंसेस देखो रेफरेंसेस देखो आप हिस्ट्री से रेफरेंसेस हैं और यहां पे वुल्वरिन हां और अभी कुछ था ना वो बट आई थ्रो हिट मेरा गैंग भारी और निथाई अशक क्या फक या आई एंड डू अ शिट नेवर रोल द ब्लड बट आई थ्रो हिट मेरा नेवर रोल ब्लंट बट थ्रो अ हिट रोल ब्लंट वो जो है यूएस में जो रैपर्स होते हैं खासकर जो रैपर्स वो रोल ना जो जॉइंट वो गांजा फाजा अपन नहीं करते ठीक है इसलिए अपने को उतना पता नहीं है जो रोल करना होता है सो उसको रोल यू नो ब्लंट रोल ब्लंट ऐसा कुछ कहते हैं ये कह रहे हैं कि मैं वैसा मतलब मैं मतलब अच्छी लगी मेरे को ये बात अच्छी लगी कि ये भाई बोल रहा है कि मैं वो सब चीज़ें नहीं करता फिर भी हिट देता हूँ क्योंकि ना ये मानसिकता लोगों के मन में कि देखो भाई मैं रैपर मैं पिएगा भाई मैं गाय को पी रहा है तू मैं रैपर है मैं गांजा पिएगा हाँ ये मानसिकता थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे है तो आर्टिस्ट उसी भ्रम को दूर कर रहे हैं कि मैं उनमें से नहीं हूँ भारी और निथाई अशक क्या फक या आई एंड डू अ शिट नेवर रोल द ब्लड बट आई थ्रो हिट मेरा गैंग लेट कर बैंग सीन जिस मैक मीन जिस वुल्वरिन पॉइंट ब्लैंक रेंज वालू शॉट क्लीन सप्लाई बल ये ले गैंग ग्रीन गो टू मैक्सी गैंग्रीन एक बीमारी होती है भाई जो ना कोई बॉडी पार्ट्स में अगर ना तुम्हारा सड़ गया गैंग्रीन हो गया ना फॉर एग्जांपल किसी के हाथ में हो गया तो उसको उसके हाथ को काट के निकालना पड़ता है ये किस सेंस में कह रहे समझते हैं जैसे पॉइंट ब्लैंक रेंज मारूं ओके शॉर्ट क्लीन ये ले गैंग्रीन अच्छा सो मैं पॉइंट ब्लैंक रेंज से तुम्हें मारूंगा और खत्म मतलब पूरा बॉडी क्या बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो जाएगा और सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन बंद गैंग्रीन खत्म समझ गए ना स्मैक मीन जैसे वुल्वरिन पॉइंट ब्लैंक रेंज वन शॉट क्लीन सप्लाई बल ये ले गैंग्रीन गो टू मैगजीन विद लोडेड एमो 32 बार से लगे ब्रोकन एरो में आ ये ले गैंग्रीन गो टू मैगजीन विद लोडेड एमो 32 बार से लगे ब्रोकन एरो में बंद 32 बार्स ब्रोकन एरो ये मैंने कहीं तो पढ़ा हुआ है 32 बार्स नहीं मतलब 32 ब्रोकन एरो 32 देखो मेरे को एग्जैक्टली तो पता नहीं है लाइक यू नो आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर बट
जहां तक मुझे पता, मैं पता यू नो, एक मिनट फिर सुनते हैं। ये ले गैंग ग्रीन गोट मैगजीन विद लोडेड एमो 32 बार से लगे ब्रोकन ब्रोकन एरो 32। तो देखो 32 ना, आई थिंक देखो ये जो ना न्यूक्लियर जो डिजास्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर जैसे कहीं रखा हुआ है कुछ, नो वैसा हो गया, लीक हो गया या फिर कुछ हो गया, लोग मारे गए, तो दुनिया में आज तक ना 32 बार वो न्यूक्लियर डिजास्टर्स हुए हैं, जिसको शायद, इफ आई एम रॉन्ग भाई करेक्ट मी इफ आई एम राइट देन कमेंट और लिखो कि बढ़िया बढ़िया, हाँ, तो उसको ना ब्रोकन एरो कहते हैं, जो 32 डिजास्टर्स हुए हैं आज तक धरती पे दुनिया में उसको कहते हैं ब्रोकन एरो। बट ये किस सेंस में कह रहे हैं भाई, यार ये लड़का मतलब ये रैपर भाई बहुत ही ना वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, वेल रिसर्च्ड, उसके बाद गाना बनाए ये सप्लाई, और हमारी फटती है ना मतलब ब्रेक डाउन करने में, रिव्यू करने में। बल ये ले गैंग ग्रीन गोट मैगजीन विद लोडेड एमो 32 बार से लगे ब्रोकन एरो में बंद लेरो तेरे। अच्छा मैं 32, अच्छा ये मेरे 32 बार, इन्होंने 32 बार किए हैं और ये लगे ब्रोकन एरो, नेचुरल सॉरी नेचुरल न्यूक्लियर डिजास्टर्स। ग्रीन गोट मैगजीन विद लोडेड एमो 32 बार से लगे ब्रोकन एरो में बंद लेरो तेरे रास्ते का, तू करता रैप लगे हाथ से लेखा, मैं पैसे लेता अगर करता शो, लाइफस्टाइल हाई फिर बंद लेरो, इसको इसको बोलते वो ना वो डकैत लोग जो होते हैं, आई थिंक ये पोर्तुगीज या स्पेनिश, मैं कोई मूवी देख रहा था हॉलीवुड का, उसी में ये सुना था बंडलेरो, मतलब देखो बंडलेरो मतलब जो बंडे थे ना उससे बना ये टर्म बंडलेरो, हाँ वही डकैत होता है, डकैत रास्ते का, तू करता रैप लगे हाथ से लेखा, मैं पैसे लेता अगर करता शो, लाइफस्टाइल हाई फिर भी रहता लो, मेरा मन का फ्लो लाइफस्टाइल है फिर भी रहता लो, डेमो 32 बार से लगे ब्रोकन एरो में बंद लेरो तेरे रास्ते का, तू करता रैप लगे हाथ से लेखा, मैं पैसे लेता अगर करता शो, लाइफस्टाइल हाई फिर भी रहता लो, मेरा मन का फ्लो जैसे बहती नर्मदा, भिड़ के जा मिलूंगा यही सर्वदा, कलम बार कर बिना नर्मदा और सर्वदा, क्या शब्दों का क्या चयन है भाई, हां क्या रेफरेंसेस दिए हैं, फ्लो मेरा मन का फ्लो जैसे बहती नर्मदा, भिड़ के जा मिलूंगा यही सर्वदा, कलम बार कर बिना इलाज नहीं कर्म कांड को सुधार, विलायत ही भरम पाल करम कांड, हाँ मुझे लगा कलम कांड, सही है सर्वदा, कलम बार कर विनाश इलाज नहीं करम कांड को सुधार, विलायत ही भरम पाल के तू जीता बनावटी शर्म ना, तेरी हार सियासत ही गरम हाथ, मेरे रक्त सलामती चरण पार, मेरे रास्ते हिदायती। हमने पूरा फोकस पता अपने लिरिक्स पे रखा रखा और 1 मिनट 26 सेकंड अभी तक सुना है, लेकिन लाइक यू नो आई हैव टेकन टू लॉन्ग। एक चीज देखो, पूरा फोकस लिरिक्स पर रखा क्योंकि लिरिक्स भाई बंदे ने बनाया ही हार्ड है, तो अभी मुझे चलो आधा यकीन हो गया कि हाँ ये गॉड ट्रिला है, गॉड लेवल है। हमने स्विचेस मिस कर दिए, चलो मिस नहीं किए, स्विचेस ऐसे थे ना मतलब बहुत स्मूथ स्मूथ स्विचेस थे, ऐसा नहीं कि बना यू टर्न फटाक से लिया, ठीक है स्मूथ स्विचेस थे, नो आपको मालूम भी नहीं पड़ा क्योंकि गाने के जोश के आवेग में, इसकी गर्मी की आवेश में हम बह रहे थे, लिरिक्स के नो जो बार्स इनके और इसके भाई बंदे के बार्स ना दमदार दमदार होते हैं। अब नमीश भाव आएंगे, चौपर खाली मत करना, चौपर मत करना भाई, हाँ चौपर मत करना, बैंड बज जाता है ना जो रिएक्शन करते हैं, मतलब जो रिव्यू वगैरह जो ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं। यो असली है यान मेरा भाई, लेट्स गो चेक अरे यार, तुम लोगों पे ना मुझे थोड़ा कभी कभी गुस्सा आता है यार, जब इतनी हार्ड लिरिक्स करते हो और जी जब ना ऐसा जब बनाते हो तो यार लिरिक्स दे दिया करो हम जैसे ऑडियंस के लिए। रुको रुको, हो गए ना मलाल मेरे चाल में, नवाबी बेदाबी की पट्टी।
तो जानता है भली बाती बली बली चढ़ी खली खली मची काफी सारी बारी बाजी मैंने मारी दड़ी डगली चली डोले स्माइल वाली पचास तोला वाली खेली मैंने पारी काफी सारी बारी देखा मैंने कभी हारना जीतना मेरे खुद में करूं खात्मा देखो जातना मेरी आत्मा बनी परमात्मा हिप हॉप के नाम पे वो लिख रही है दास्ता दे गांधी बनू महात्मा छोड़ू साधना दे गांधी अच्छा 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 ठीक है। तो भाई नमीश भावना चॉपर जा रहे हैं हर एक चीज तो कैच नहीं कर पाएंगे। दे महात्मा दे गांधी मैं बनू महात्मा हाँ ये सही लगा मुझे। मेरी आत्मा बनी परमात्मा हिप हॉप के नाम पे वो लिख रही है दास्ता दे गांधी बनू महात्मा छोड़ू साधना और ये फैक्ट्स बाकी देता छोड़ू साधना और ये फैक्ट्स एकदम नमीश भाऊ अपने साथ एकदम डे वन से है। जब से हम कनेक्ट हुए ना नमीश का इंटरव्यू किया था मैंने तभी नमीश को जाना मैंने और अयान का भी जब इंटरव्यू किया था उसी के बाद भी तभी से हम साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है एकदम साथ के नाम पे वो लिख रही है दास्ता दे गांधी बनू महात्मा छोड़ू साधना और ये फैक्ट्स बाकी देता मैं खास ना सारे वो साबा अब बना ले फासला काटू मैं रास्ता क्या ये भी सही है साधना और ये फैक्ट्स बाकी देता मैं खास ना सारे वो साबा अब बना ले फासला काटू मैं रास्ता क्या सिक मेरे बेट लेट मेरे ले करूं मैं तो खेल वन शॉट सर पेन पेज ऑन अ रैम्पेज इधर ध्यान दे मेरा वर्स मेरा पेन गेम जैसे ध्यान दे बाप दादा करे लिखाई को मेरे ब्रेकडाउन साहब समझा नहीं क्या बाप दादा करे मेरे लिखाई को ब्रेकडाउन समझ जब ऐसे ऐसे गाने आते हैं ना तो हम जैसे लोग ना समझ बन जाते हैं। जनरल एमपीएच इधर ध्यान दे मेरा वर्स मेरा पेन गेम जैसे ध्यान दे बाप दादा करे लिखाई को मेरे ब्रेकडाउन बाप दादा करे मेरे लिखाई को ब्रेकडाउन सेंस में कहना चाह रहे बाप दादा मतलब बड़े बुजुर्ग ये मतलब है या फिर जो सीन में जो बड़े बड़े लोग हैं वो तुम्हारी लिखाई को ब्रेकडाउन करते हैं। खैर किसको फकना दूं मैं करूं काउंटडाउन पंचनामा नहीं पंचलाइन मेरी गवा देगी वकीलों को फकना मैं दूं दोगा जबनक को तू जगह मगा मल बगा जब ये सगड़ी येड़ जब भर ले ले फकना का करूं माजे सोबा तू गिला सर लोग केतर भका माय शॉट शराफत रखे पर शराबी बहुत शेजारी बन ये वाला पता है बहुत बहुत तगड़ा मतलब स्विच था ये लैंग्वेज स्विच ना आप कर रहे हो हिंदी में एक ना वो भी चॉपर उसके बाद आप मराठी में शुरू हो जाते हो बहुत 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 मेरे को बस एक चीज का अफसोस है उन्होंने लिरिक्स क्यों नहीं दिया स्क्रीन पर वकीलों को फकना मैं दूं दोगा जबनक को तू जगह मगा मल बगा जब ये सगड़ी येड़ जब भर ले ले खप ले ले पका नका करू माजे सोबत गिला सर दो क्या तर भका माय शॉट शराफत रखे पर शराबी बहुत शेजारी बंदे पर शैतानी अच्छा शराफत रखे पर शराबी बहुत हम शराफत रहते हैं शराब पीते हैं मगर हम शरीफ हैं ठीक है सोबत गिला सर दो क्या तर भका माय शॉट शराफत रखे पर शराबी बहुत शेजारी बंदे पर शैतानी शौक जब नवाबी छोड़े तब रखे ना खौफ आहा जब नवाबी जब नवाबी के मतलब जोश में एटीट्यूड में रखते हैं तो हम क्या बोलते हैं रखे ना खौफ पीस हाँ तब तबाह कर दिए यहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया उसके बाद बोल रहे हो पीस। तो गाइस आप क्या बोलते हो हाँ गॉड ड्रिला मैं पता पूरी तैयारी करके बैठा था कि मैं इनको ना आज क्योंकि इनके गाने मैं एडमायर करता हूँ इनकी स्किल्स वगैरह मैं एडमायर करता हूँ और हमेशा से ना अच्छी अच्छी बातें बोलते आया हूँ इनके बारे में इनके गानों के बारे में लेकिन आज मैं मूड में बैठा था कि आज अगर जैसा नाम है गॉड ड्रिला क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ लोग ना मतलब गॉड 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 ये बड़ा कॉमन सा हो गया हिप हॉप में तो थोड़ी सी ना मुझे थोड़ी सी चिढ़ थी कि हाँ ये जो नाम है इससे नाम रखो ठीक है जस्टिफाई करो मैं सोच के बैठा था कि मैं छीलूँगा लेकिन मैं खुद छीला गया हाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी जो समझ में आई कुछ कुछ चीज़ें मेरे से मिस भी हुई तो चलो इसके लिए हमें दोष न देना जग वालों नमीश के स्विचेस और बार्स अयान के बार्स रेफरेंसेस नमीश के भी ना और नमीश का पता सबसे बेस्ट पार्ट देखो ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें बढ़िया लगी लेकिन जो बेस्ट पार्ट मेरे को नमीश का लगा ना देखो चॉपर तो करता ही है चॉपर करता है बड़ा पीपल डू चॉपर नमीश को मैं देखते हैं चॉपर करते हुए लेकिन जब भी इसका कोई नया चॉपर सुनता हूँ लगता है कि उससे हटके ये नया है सो दैट इज द ब्यूटी दैट इज द स्किल और जब वो जो मराठी में स्विच मारा इसने दैट वाज ऑसम अयान के जो रेफरेंसेस थे एक एक बार्स आंसू मतलब दोनों के
और दोनों पता है, दोनों लग रहा ना कि दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहा है। हमेशा बोलता हूँ कि जैसे कोलैब वगैरह होता है तो भले कभी बोलूँ ना बोलूँ, मन में आता है कि हाँ इस बंदे ने अच्छा किया, उससे ज्यादा अच्छा किया। यहाँ पे मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची एकदम, पता है नहीं कि किसी को खुश करने के लिए। अगर मेरे को बोले बोलोगे ना कि दोनों में से किसी एक को विनर बनाओ, मैं बोल दूंगा मैच ड्रॉ है। अगर तक दोनों एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं ऐसा, तो भाई आप लोग जाके सुनो, और मुझे जरूरत नहीं है बोलने की कि आप जाके सुनो। आप इतना इतना बढ़िया गाना, मतलब भाई जाके 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 देखो। और ये गाना ऐसा है कि इसको जितने बार सुनोगे ना उतने बार होता क्या है कि हम जब हार्ड बार्स देते हैं ना, चीजें यहां से वहां से उठा के, मत बोले तो रेफरेंसेस, अलग अलग स्किल्स, करना ऐसा नहीं कि बस राइम कर दिया और रैपर बन गए, नहीं। तो ऐसे गाने इनका ना क्या बोलते हैं इसको, का लिटरल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जितने बार सुनोगे अपना उतने बार कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। जैसे पोइट्रीज वगैरह हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। तो इन चीज़ों पर ना मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ कि गाना ऐसा बनाओ या तो मज़ा आए, या फिर जैसा मज़ा मतलब मेलोडी बना दिया या फिर ऐसा कुछ मज़ा आए। लिरिक्स वहाँ पे चलो इग्नोर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे लिरिक्स इंपॉर्टेंट उतनी भी नहीं होती। और जब ऐसा गाना बनाओ ना तो भाई लिरिक्स ऐसे कि जैसे सुनने वाले को लगे कि वो कविता सुन रहे। एक बार सुन लिया समझ में नहीं आया, दूसरे बार सुना, तीसरे बार, और जितने बार सुनते जाएगा उसको कुछ ना कुछ नया मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और एक ही एक चीज़ मतलब मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा कि भाई जो नाम है गाने का गॉड गोरिल्ला, इन्होंने जस्टिस किया है। जाओ चेक करो दोनों को, नमीश को एंड अयान को। और मैं कहूँगा दोनों भाई से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि एक और कोलाबोरेशन हो जाए। और मैं एक चैलेंज दूँ दोनों को, एक ओल्ड स्कूल पे करो। हाँ ड्रिल पे किया, मैं दोनों को चैलेंज चैलेंज किया, मतलब डिमांड बोल सकते हो, रिक्वेस्ट बोल सकते हो एक ऑडियंस की, नो आपके फ़ैन की, कि भाई दोनों की दोनों गाना मुझे चाहिए एक ओल्ड स्कूल बीट, ओल्ड स्कूल बूम बैप हो जाए और मज़ा आएगा। तो गाइस इस गाने की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने स्टोरी वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह शेयर कर दूंगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाल दूंगा, आप जाके चेक करना। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्या करना है। हमने इन दोनों के बारे में बात की। अब जो प्रॉड मिक्स मास्टर है भाई महर्षि जोशी, बहुत तगड़ा काम ब्रो। और विजुअल एडिटिंग डायरेक्शन जय भगत भाई, बहुत बहुत तगड़ा काम, मतलब इट इज़ अ बस वन रिटर्न परफॉर्म भाई असली अयान बस टू नमीश, ठीक है ठीक है। सो मतलब ओवरऑल ये बड़ा बड़ा ही उम्दा काम था, जो विजुअल स्किल्स थे, क्या बोलते हैं वीडियो एडिटिंग की जो स्किल्स थी मैंने नोटिस करी, कहीं कहीं पे न्यूज़पेपर आ जा रहा था, मतलब काम हुआ है भाई नो। तो जाके चेक करना भाई, और महर्षि को आप चेकआउट करना इफ़ यू नीड बीट मिक्स मास्टरिंग। और मैं भी चेक चेकआउट करूँगा, और जय भगत को भी चेकआउट करना फॉर एडिटिंग वर्क। तो चलो वक्तव्य समाप्त करते हैं, और मैं चला थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ। कोल्ड ड्रिंक काहे को, हाँ ऐसी गर्मी गाने की, बहुत बहुत तगड़ा। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।